व्हाट्सअप कैसे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना पंच इमोट के भी एकदम खतरनाक वाला स्टाइल से खेल सकते हो, जल्दी मैच खत्म कर सकते हो, मतलब एकदम बूम तरीके से खेल सकते हो। तो आगे वीडियो देखते रहे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अरे मतलब मैं ऐसे नॉर्मल खेलता हूँ, यहाँ पर जाते ही नहीं, लेकिन तो सबको मेरे से प्रॉब्लम है ही, यही तो होता है हमेशा मेरे साथ। तो इसको छोड़ दे, मतलब मैं आपको बताऊँ मतलब कैसे, जिसके पास पंच इमोट रहता है वो पंच मार के तुरंत मतलब जीत लेता है ना, तो आप बिना पंच इमोट के कैसे जीत सकते हो। तो वीडियो देखते रहिए, मैं आपको एकदम स्मूथली बताने वाला हूँ, मतलब एकदम खतरनाक वाला ट्रिक से बता, बस हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत है और बूम आप इस मतलब आप इस मैप के मास्टर हो जाओगे, मतलब अगर किसके पास पंच इमोट नहीं है तो। हाँ तो अभी देखो मतलब कैसा होता है, आपके पंच मारते हैं और सीधा हम लोग बूम आदमी गया, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास पंच इमोट नहीं है तो आप उसको बस एक ही तरीके से हरा सकते हो, वो तरीका है बस उसको धक्का देके। तो धक्का देने का काम कैसे होता है, मतलब मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊँ जिससे आप खतरनाक वाला धक्का देके उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले उसको अपने बातों में उलझाने का है, मतलब देखो अभी मैं इसको हल्का हल्का उसको बोल रहा था करने को, तो जैसे आपको लगे करने वाला है तुरंत उसको एकदम गंदा वाला ढकेल दो जिससे को तुरंत पानी भी गिर रहा है। तो देखो आप कैसा ट्रिक एकदम वाओ वाला ट्रिक है, वाओ भाई एकदम खतरनाक। अभी मैं आपको दो तीन बार और करके दिखाने वाला, तो एकदम ध्यान से देखिए और सीखिए भाई, बस ज़रा सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बूम हो जाओगे आप एकदम इस मैप में। तो मैं इसको करने कोशिश की लेकिन हल्का सा चूक गया है, तो वैसे ये अलर्ट हो गया कि अब मैं इसको धक्का दूंगा। तो मैं इसको ऐसे कर रहा था एकदम स्टिल स्टैंड है, तो मैं इसको एकदम इजीली धक्का देकर मैं इसको गिरा दिया। तो अब इससे जल्दी मैच खत्म कर सकते हो, मतलब कैसे ये प्लेटफॉर्म कम होते जाते तो खतरा और बढ़ते रहते, तो इसलिए आप इससे मतलब जल्दी गेम खत्म कर सकते हो। तो अरे ये बंदा भी वैसे ही था, तो मैंने इसको एकदम ईजिली कुछ नहीं नल्ला से पूछ देकर इसको भी आउट करवा दिया। तो अभी मैं जो बंदा मैं इसको वापस देखने लगता वो एलिमिनेट हो चुका था। तो मैं इस आखिरी बंदे को देख रहा था, ये अलर्ट हो चुका था क्योंकि इससे मैं बहुत सारे बंदों को गिराते हुए देख लिया था। तो ये मेरे से मतलब ये मेरे बातों में नहीं आ रहा था, ये अपना अपना भाग रहा था। तो मैं इसको पूछ देने के लेकिन हल्का सा ये हिल गया था जिससे कि मैं अभी मरने मरते बचा। तो यार अभी इसका इसके साथ एक गलती हो रही थी, इसमें मैं पूछ हल्का सा मतलब गलत स्टाइल से दे दिया जिससे खुद ही पानी में लाकर गिर गया और यहाँ पर मैं नाचने लग गया बूम तरीके से। तो यार ये ट्रिक आपको कैसा लगा एकदम कमेंट में ढासो तरीके से बताना। तो यार हम अगले वीडियो में मिलते, एकदम ढासो वीडियो में मिलेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, आगे भी और वीडियो आएंगे, जैसे कि आगे आएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स मिथ बस्टर्स और वन वर्सेस वन आगे आते रहेंगे। चैलेंज वीडियो कमेंट मत लिखो, चैलेंज मैं अब नहीं करना, शायद आगे करूँगा पता नहीं। तो यार मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।